शहजादी नसीब हुई नसीब मुबारक हो जहां बना, हजार बार मुबारक, सत हजार मुबारक वालम बना। बधाई स्वीकार हो महाराज, बड़ी कामनाओं के बाद रात पहले में लक्ष्मी पधारी है। आपने हमारे दिल की सबसे बड़ी आरजू पूरी कर दी। भंबोर के तख्त ताज को उसका वारिस मिल गया। बेशक आज हम अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझते हैं। इस खुशी के मौके पर हुजूर की तबीयत पर गुबार क्यों छा गया? आपने देखा नहीं पीरो मुर्शिद, इधर हमने अपने आप को खुश नसीब कहा, उधर आसमान से तारा टूट पड़ा। सितारे टूटा ही करते हैं आलीजा, इससे हमारी जिंदगी के निजाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। पीरो मुर्शिद, सितारे का टूटना बदकिस्मती और नहुसत की अलामत है। आलीजा, हमारी किस्मतों का मालिक वो है जो इन सितारों को आसमान की छत पर जोड़ता और तोड़ता है। आलीजा, आज के दिन किसी वहम और अंदेशे को दिल में जगह न दीजिए। अल्लाह ने बड़े अरमानों के बाद आपको औलाद अता की है, और अल्लाह की इस देन पर जी भर कर खुशियां मनाना सबसे बड़ा शुक्र है। व्यायाम मसरत और शादमानी की प्यासी हो रही है आलीजा। खुश
खूब हम इसलिए आम देते हैं, हमारी रियाया पर मुसरत के खजाने खोल दो, जिंदगी का गरीबान टटोल कर हर छुपी खुशी बाहर निकालो और हमारी शहजादी पर निछावर कर दो। बोलते क्यों नहीं? जबान जेब नहीं देती आलमपना, जान की अमान मिले आलमपना। हमने अमान दी, बयान हो। आली जा, शहजादी अपने साथ बेशुमार नहुसतें और बर्बादियां लेकर आई है। अन्नदाता, यदि राजकुमारी का पालन पोषण राजमहल में हुआ तो राजा और प्रजा दोनों पर बवाल आ जाने का भय है। शहजादी अपने माँ बाप के लिए दुख दर्द और बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं ला सकी आलमपना। शहजादी हजूर के गुरूर का सर दुश्मन के कदमों में झुका देगी आलमपना। बस,
लिया। गैबी में ये निकला है कि मूसा की मां ने फिरौन के डर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया। हम इस फाल को ताइद गैबी समझते हैं, फौरन संदूक तैयार कराया जाए। बच्ची हमारे हवाले करो मलिका, ताकि इस फितने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए, मेरी ममता पर यह सितम न कीजिए आलिजा। नहीं, हमने इस जिंदा नहुसत को अपनी राह से न हटाया तो हमारी जिंदगी बगुला बन जाएगी मलिका। और अगर इसे मेरी ममता की आगोश से छीन लिया गया तो मेरी जिंदगी एक लंबी आह बन जाएगी। मलिका, हम इस नाशुदनी को अपने तख्त ताज पर सदका उतारना चाहते हैं। औलाद तो ऐसी अनमोल नेमत है जिस पर माँ बाप अपनी जाने सदका कर देते हैं। लीला, मुझ पर रहम कीजिए, अपने तख्त पर रहम कीजिए जिससे आप दोबारा लावारिस कर देना चाहते हैं। कुछ तो सोचिए जापना, आप अपने घर की अकेली शमा को भी बुझा देना चाहते हैं। इस शमा से हमारे घर को आग लग जाने का डर है, लाओ इधर दो बच्ची। नहीं नहीं, इसे शहजादी की बजाय कैदी और मुझे मलका की बजाय बांदी बनाकर हम दोनों को किसी अंधेरे तहखाने में डाल दीजिए ताकि हमारा साया तक काम पर न पड़ सके। हम कहते हैं दर्दो। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरी बच्ची को, मेरी ममता का अंगारों पर नंगे सीटो। हमारे काम नहीं सुनने के आदी रही। छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो मेरी बच्ची आदम जान। लीजिए पीर मुर्शिद, मेरी शाख आरजू का वो कड़वा फल जिसे खाए तो पछता है, न खाए तो। आलम पना, शाहजादी के मुंह में शहद रख दीजिए।
कितनी प्यारी बच्ची है। किसकी है ये? अजय कुछ मुंह से तो बोलो, ये सब क्या है? ये सब नीली छतरी वाले की देन है। देखो ये जो पहला खाना है इसमें है अशरफिया, ये बच्ची की परवरिश के लिए। और ये जो दूसरा खाना है इसमें है जवाहरात, ये बच्ची की तालीम के लिए। और ये जो तीसरा खाना है इसमें है सच्चे मोती, ये बच्ची के जहेज के लिए। अच्छा, कितनी खूबसूरत अंगूठी है ये। अजय ये तो मैं पहनूंगी। सो इस अंगूठी में कुछ राज है, इसे संभाल के रखना। अच्छा, मगर ये सब छुपेगा कैसे? तुम इसकी फिक्र न करो, तुम्हें यहाँ माँ की बीमारी की वजह से आए हुए एक साल गुजर गया है। और माँ हकीम क्या से आ गई तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? कुछ ना कुछ समझा देना। अच्छा, अब मैं बंगलोर जाकर मशहूर करता हूँ कि हमारे यहाँ लड़की पैदा हुई है। थोड़े दिनों के बाद तुम भी आ जाना, तब एक धूमधाम का जश्न मनाएंगे। चांदनी रातों में आ प्यार का नगमा सुना ले। आता भाई, बच्ची की बहुत बहुत मुबारक हो। मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा बेटा, अब मैं कब्र में पैर लटकाए बैठी, जम जम जिए मेरी सत।
आज इस खुशी के मौके पर मैं अपनी सारी जायदाद सफी के लिए देती हूँ। भाई अब दो दो मुबारकें हों, एक सस्सी की और दूसरी इस जायदाद की। ये सब अल्लाह की देन है भाई मौजू। अरे छोड़ो भी ये दीदारे, अल्लाह ने दिन फेर भी दिए फिर भी काम का जाओ ना गया तुम्हारा। ये नौकर मुस्कंडे किस दिन काम आएंगे? काम बहुत बढ़ गया है सस्सी की माँ, नौकर खत्म नहीं कर सकते। तो फिर रख लो दो चार छह और नौकर, रोकता कौन है? ऐसी उम्र मेरे लिए रहने दो। अरे मैं तो मरने के बाद भी तेरा हूँ सस्सी की माँ। छोड़ सस्सी को, मेरे साथ मिलकर लंबर लगा ले। नंबर लगा, टप्पा लगा, लगवाता फिर नौकरों से। मैं तो चली सस्सी को नहला ले। अपनी अब्बा को दे दे। अजी मैंने कहा देख ली अपनी लाडले की जिदे। बच्चा है। बच्चा है। मल मल के नहाया न करो और होए 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 आग पानी में मेरी जान लगाया न करो। होए जियो सस्सी हजूर, जियो जियो। कैसे शोर है? सवाल ही नहीं पैदा होता चाचा जी। लड़कियां डर गई हैं शायद, और उनके शोर से मैं डर गया। हेलो जी, बड़े चलाक हैं जी। अब
चलो जान, हम सब वहाँ नहा रही थी और ये हजरत पाक शंग कर रहे थे। शर्म भी तो नहीं आती? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नादार नाहंजार, ये क्या हरकत? अब बजा मैं वहाँ चींटियों का चावल डाल रहा था कि ऊपर से ये आ गई। अब भागू तो मुश्किल, ना भागू तो मुश्किल, लटक गया बीच में। अब्बा जान, वैसे तो आप जानते हैं मैं कितनी शर्म वाला हूँ। अब्बा जान, ये हमेशा मेरे साथ छेड़खानी किया करता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। तौबा तौबा, मैं इन सबको अपनी बहने समझता हूँ। फिर भी तुम्हें असल से काम लेना चाहिए दारा। जहाँ लड़कियाँ नहा रही हों वहाँ जाना बहुत बुरी बात है। चचा हुजूर, इन टांगों को ना तोड़ दूं जो कभी उधर का रुख फरमाए। पर मैं पूछता हूँ, तुम यहाँ घाट पर बनिए किसान की तरह क्यों ऐंठ रहे हो? माँ की तबीयत खराब थी, कुछ उसकी भी फिक्र है? सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ की बीमारी दवा भी बन सकती। खैर, जाता हूँ हकीम साहब की तरफ। लो ये गया वो गया। लड़कियों बहुत खेल चुकी, अब अपने अपने घरों को जाओ। जाओ बेटा, तुम दोनों भी जाओ। हाल रमल नजूम, तारों का हाल पूछो, दिल का सवाल पूछो, किस्मत का हाल पूछो। है नबिया नजूम की जारी, नहाले जिसका जी चाहे, मुकद्दर अपना अपना आजमाले जिसका जी चाहे। हाल रमल नजूम। चलो दिख रहे हैं? हाँ हाँ जरूर। अजी ठहरा, पहले मैं। नहीं जी, पहले मैं। अजी तुम सब ठहरा जी, पहले हमारी सस्ती। ए बाबा, जरा देखो तो हमारी बानों की रेखा।
रेखा मांगे लेखा, पहले दक्षिणा, दक्षिणा तांबे की दोगी तो तांबे जैसी किस्मत, चांदी की दक्षिणा दोगी तो चांदी जैसी किस्मत, पहले लेखा दो फिर रेखा दे। ये लो जरा अच्छी तरह से देखना। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। की बेटी अपने बाप की, उसका क्या नाम है, वो कौन है? ये मेरे खालू चौधरी अट्टा की बेटी है, जो सारे भंगोर के धोबियों का सरदार है। सारे भंगोर के धोबियों का सरदार है, मगर इसके हाथ की रेखा तो ये कहती है कि ये लड़की जन्म की शहजादी है। भगवान झूठ ना बुलाए, इसका विवाह भी किसी शहजादे से होगा, यानी के राजकुमार से होगा। लो जी और सुनो, अरे बाबा अभी भंगोर के धोबी में कोई शहजादा पैदा नहीं हुआ, और हमारा बादशाह तो बेचारा बेहलाद है। अरे तुम मानो चाहे ना मानो, वो शहजादा पश्चिम देश की ओर से आएगा। पर वो यहाँ क्यों आएगा? इसकी मोहब्बत लाएगी, इसका प्रेम लाएगा, क्यों आएगा? मेरी मोहब्बत, वो कैसे? वो देख, भगवान झूठ ना बुलाए, तुम दोनों प्रेमियों का प्रेम ऐसा प्रेम होगा जिसे स्वर्गलोक के देवता भी देखकर दंग रह जाएंगे। हमने रेखा में जो कुछ देखा तुम्हें बतला दिया, आगे भगवान की जैसी इच्छा। चले चले। रेखा तो कह रही है कि ये लड़की जन्म की शहजादी है, भगवान झूठ ना बुलाए, परंतु इसका विवाह भी किसी शहजादे से होगा, यानी कि राजकुमार से। हाँ क्या सोच रही है बेटी? ये चांद में दाग क्यों है? इसलिए कि चांद को नजर न लग जाए। चल बेटी अब सो। ये चकोरी चांदनी रातों में क्यों बोला करती है? कहते हैं इसे चांद से मोहब्बत है, उसे हासिल करने के लिए इतना बुलंद उड़ती है कि जान दे देती है। अरे लेकिन तुझे इन बातों से क्या? चल अब सो। ये जानते हुए भी कि मैं चांद को नहीं पा सकती, चकोरी उसी की मोहब्बत में जीती है और उसी की मोहब्बत में मरती है। चांद, चकोरी।
याद है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कोई डरावना ख्वाब देखा है? नहीं, बहुत ही प्यारा ख्वाब देखा है। सच? अच्छा बोल तो भला, क्या देखा है ख्वाब में? एक शहजादा, सचमुच का शहजादा। आ गई ना उसमें नजूमी की बातों में। मजाक मत करो सितारा। अच्छा बता तो, कैसा था वो शहजादा? बहुत ही खूबसूरत, जैसे चांद। हम दोनों ने मोहब्बत का इतराफ किया, लेकिन शैतान हमारे आड़े आया और ख्वाब टूट गया। न जाने वो कौन था और कहाँ है। सैद क्या बात है? कुछ हम तो आपको हर वक्त खुश रखने का कोशिश करती है, आपको हंसाने के वास्ते ये पठान का बच्ची रोती है। कुछ कुछ बताओ तो सही, माजरा क्या है? शेरगुल जी, जब से सरदार बबन बबिया ने सिंध की उस माँ जबीन ससी के हुस्न के अफसाने सुनाए हैं, हम अपने आप को खो बैठे हैं। वो चे शेरगुल का मगज ने वटा खानजादा, इधर मकरान में माशुक लोग का कमी। खुदा कसम आप किसे कतर को उंगली तो करो, हम खान बाबा के पास जाएगी और आपका शादी का बंदोबस्त करेगी। शादी? हाँ शादी तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी है, लेकिन वो शादी जो हमारी मोहब्बत का नतीजा हो। फिर तो सब काम छोड़ो और पहले इश्क करो, उसके बाद मोहब्बत करो, बाद में देखा जाएगा। मोहब्बत की नहीं जाती शेरगुल, हो जाती है। एक रात का मेला है, एक रात की महफिल है, एक रात का मेला।
महफिल है जीने का मजा ले ले। तू साज उठा दिल का तो मैं झूम के गाऊं, अब साना तुझे प्यार का मैं गा के सुनाऊं। एक जलते हुए दिल की तू आह से वाकिल है, एक रात का मेला है, एक रात की महफिल है, एक रात का मेला है, एक रात की महफिल है, जीने का मजा दिले। ये महकी हुई रात जवानी की दोए, नादान मोहब्बत तुझे देती है सदाएं, है हुस्न भी कदमों में और प्यार भी हासिल है, एक रात का मेला है, एक रात की महफिल है, एक रात का मेला है, एक रात की महफिल है, जीने का मजा ले ले। आग बढ़ती जा रही है ससी, आग बढ़ती जा रही है। कबाबे सीख हैं हम करवटें हर सू बदलते हैं, जो जल उठता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। तू बाज नहीं आएगी इस चढ़ानी से? हाय हाय, छेड़ खूबा से चली जाए जरा, कर नहीं वस तो खतरत ही कर। निगोड़ी घीट कहीं। अरे अब हमार की धबनिया, अभी तो शहजादे का ख्वाब ही देखा है और लगे बेचैन हो करवटें बदलने, रंग लाएंगे तुम्हारी चोंच ले। हाँ, अल्लाह करे कि मेरी आरज़ू में रंग लाए। अरे पगली तू क्या जाने, ये दिल वालों के खेल। छुछुंदर के सर में चमेली का तेल, अजब तेरी कुदरत अजब तेरे खेल। चलो उठ जल्दी से तैयार हो जा। अरे कहाँ, कुछ मुंह से तो फूट। लाखी बाग जाना है, वहाँ सब लड़कियाँ हमारा इंतजार कर रही हैं। पर लाखी बाग की सैर कोई नई बात है? अरे वहाँ तस्वीरों की नुमाइश लगी है, चलो उठ जल्दी से। उठ ना, चल। करूं तू? हाँ हाँ, बताओ तो ये कौन है? केच मकरान का शहजादा तुन्नू खान। शहजादा केच मकरान का? जी। सितारा तुम ये तस्वीर इनसे मांग लो। आप ये तस्वीर मेरी सहेली को दे सकते हैं? मुझे अफसोस है,
मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी ना कर सकूंगा। इन्हीं चीजों को हासिल करने के लिए मुझे गजनी से यहाँ तक का सफर इख्तियार करना पड़ता है। हम इसके मुंह मांगे दाम देंगे। इसकी कोई कीमत मुकर्रर नहीं की जा सकती बानो, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। शुक्रिया, आओ सबसे चले। आओ वाकई कुदरत का हसीन और जमील शाहकार जिसके दीदार के लिए मुझे यहां आना पड़ा। सस्सी मुसव्विर फितरत गजनी खां तशरीफ लाते हैं आलम पना। तस्लीमात शहजादा हजूर। खुश आमदेद गजनी खान, तशरीफ रखिए। बड़ी मुद्दत के बाद वापसी हुई। कहो सिंध के सफर में कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई? साहब आलम, यूं तो सरजमीन सिंध जन्नत का एक हसीन टुकड़ा है, मगर शहर बंबोर में रहने वाली खूर उससे भी कहीं ज्यादा हसीन है, जिसे चांद भी देखकर अपना मुंह छिपा ले। खूब, सरदार बबन बबिया ने भी उसका जिक्र हमसे किया है। क्या उसका नाम सस्सी तो नहीं? जी, एक मामूली धोबन। मुसव्विर, उस जाने तमन्ना को धोबन कहकर अपने मजाक और हमारे जौके नजर की तौहीन ना करो। हमें उस शहजादी के बारे में और कुछ बताओ, इतना कुछ बताओ कि हम सुनते सुनते सो जाएं और सुबह कयामत को जब आंख खुले तो उसका फसाना बराबर जारी रहे। साहब आलम, वो अक्सर अपनी सहेलियों के साथ लाखी बाग की सैर को आती और तब वो सचमुच सितारों के झुरमट में चांद नजर आती। और हाँ साहब आलम, इस खानाजाद की जरूरत मुआफ। कहो इजाजत है। उस मलका हुस्न ने आपकी तस्वीर तोहफे के तौर पर मुझसे मांगी थी, मगर अफसोस मैंने देने से इनकार कर दी। मुसव्विर, ये तुमने क्या जुर्म किया? इससे बेहतर था कि तुमने इनकार करते वक्त हमारे सीने में खंजर भोंक दिया होता। गुलाम की खता माफ आलम पना, मुझे मालूम न था कि आपके दिल में उस हसीन तस्वीर उतनी ही जगह ले चुका है जितना के आईने में किसी का अक्स। शहजादा हजूर, बादशाह सलामत ने इनको याद फरमाया है। गजनी खान, अब्बा हजूर से मिलने के बाद सीधे हमारे पास आना। बहुत बेहतर आलम पना। आलम पना, साथ दो हमारी तस्वीर। शेरगुल का मगज में वटा और जनाब का मगज में नाशपाती। शहजादा आलम वो बम्बोर का दोबल से इश्क पर बात। वक़्त जाने जाना है, वो कैसे समझाऊं? यह बम्बोर, यह मकरान, दोनों का बीच में कंजर और आपस में दोनों का सख्त दुश्मन है। वो आप दुश्मन का मुल्क में इश्क फरमाती है, वो क्या करते हैं भाई? मोहब्बत कर गुजरने का नाम है शेरगुल, मोहब्बत सोचा नहीं करती। पता करो, दस दफे करो, कौन काफर का बच्चा मना करती है? पर बादशाह सलामत से तो पूछो, पठान देखती है वक्त तुमको कैसे इजाजत देती। बहरहाल इजाजत मिले या नहीं, हमें पागलपन है सस्सी, जब देखो उठकर यहां आ जाती हो। मेरा दिल मेरे बस में नहीं, ये वो मुकद्दस जगह है जहां मेरी मोहब्बत ने जन्म लिया।
मेरी आरजू ने आंख खोली। यहाँ आकर मुझे सुकून मिल जाता है। तुम साय का पीछा करती हो पगली, जिसका तुम्हें इतना ख्याल है, न जाने उसे भी है या नहीं। मैं जहाँ हूँ तेरे ख्याल में हूँ, जहाँ मेरी निगाह में है। उन्नू बेटा, क्या तुम अभी तक जाग रहे हो? ताजी मम्मी हुजूर। जीते रहो, क्या बात है। हम पिछले कई दिनों से तुम्हें कुछ उदास और खोया खोया से देखते हैं। नसीबे दुश्मना, कुछ परेशानी है क्या? आपके होते हुए मुझे क्या परेशानी हो सकती है अम्मी हुजूर? तो फिर क्या चाहते हो? मेरी आरजू है कि कुछ अर्सा के लिए इन दरबारी हंगामों से अलग रहकर दुनिया की सैर करूं। आप इजाजत फरमाइए ना। ये कैसे हो सकता मेरे शहजादे, तुम जानते हो हमें तुमसे कितनी मोहब्बत है। इससे पहले आपने मेरी बात कभी नहीं डाली। तुम्हारी मोहब्बत के सामने हमारी ममता हमेशा मजबूर हो जाती है। लेकिन हम बादशाह सलामत से मशवरा किए बगैर तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। आप अब्बा हुजूर से मेरी सिफारिश कीजिए ना। अच्छा, कोशिश करूंगी। मुरादें बरलाने वाला है, मेरी मुराद भी पूरी कर दे। जिस तरह दिन और रात गले मिलते हैं, उसी तरह सस्ती और पुन्नू को भी मिला दे। मलिका, हमने पुन्नू की जिद और तुम्हारी सिफारिश से मजबूर होकर उसे सफर पर जाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन यूं महसूस होता है जैसे हमने इस फैसले में जल्दबाजी की। अल्लाह पर भरोसा रखी जहां पना, और बेटे की सलामती की दुआ मांगी। Thank you.
मुंशी साहब, इधर लाखीबाग किधर है, कितना दूर? इस रास्ता तो सीधे चले जाओ, सामने जो दरवाजा नजर आएगा वही लाखीबाग कहलाता है। वो बड़ा मेरा भाई। मैं आज फिर कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। तुम फिर मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाओगे मेरे शहजादे? ये ख्वाब नहीं, हकीकत है मेरी ससी। ख्वाबों में भी तुम थी। तुम आ गए, मैंने आबे हया पा लिया। और तुमसे मिलने के बाद मुझे भी यूं महसूस होता है जैसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पूरी हो गई। के आंसू हैं पुन्नू, लेकिन लेकिन मैं डरती हूं तुम्हारी मोहब्बत मुझे लोरियां देकर न सुला दे और तुम मुझे सोता हुआ छोड़कर चले जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मोहब्बत वापस लौटना नहीं जानती। मैं तो रोजे अजल से तुम्हारा। गुजर गई, हम जी भर की बातें भी न कर सके। अभी दिल भी प्यासा है और आंखें भी। अच्छा, अब रुक सक शौक से, मगर फिर कब? आज ही रात इसी जगह। अरे क्यों? मेरे साथ मेरा दोस्त शेरगुल भी आया था। और मेरे साथ मेरी सहेली सितारा भी आई थी। आप फिर देखें। इन्हें देखो सुधी।
शेरगुल वही कुर्बान वही कुर्बान वही कुर्बान देखो उल्लू का कान वो शेरगुल का मगज में बटा वो शहजादे सेठ ये क्या किया तो देखो गरीब के खाने खराब कर दिया तो सारा मामला चौपट कर दिया पठान का बच्चा आज रात जन्नत का सैर करती थी वक्त खुदा की कसम तुम्हारे एक आवाज ने हमको फिर से दुनिया में खींच लिया मुझे क्या किया हमारे को सत्यानाश कर दिया तुम्हारे मदद में बटा खुदा खुदा हमारा मकस में बटा है न बोलती है न चलती है कड़े कड़े पत्ते तोड़ती है आखिर क्या बात है भाई हम ये सोच रहे हैं शेरगुल कि ये पहाड़ जैसा दिन कैसे गुजरेगा और रात कब आएगी अवे भाई बड़ा खाना खराब होता है ये आदमी लोग का दिन इसी वास्ते हमने अपना दिल निकाल कर कौवा लोग और कुत्ते लोग को खिला दिया तकसीम कर दिया न खाना खराब ये दिल होगा वो न गड़बड़ करेगा और वो जो रात सस्सी की सहेली के पांव दबा रहे थे वो क्या था वो रात तो खानजादा हम अपने थोड़ा दिल पिशौरी करता था वो आप समझा नहीं वो हम है पुल का बौरा वो कभी उस पुल पे कभी इस पुल पे हर जाई कहीं का रजाई वो न बिस्तर लाया है न रजाई लाया बस ऐसे कपड़े से आया उधर रजाई नहीं हर जाई वो हम हर जाई नहीं हम हर जाई नहीं हम और तुम दोनों उधर से भाग के आई हमारा बाद में बेचारा वो खाला जान हमारा मगज में बोटा वो गजाला जान का क्या हाल हुआ होगा हम गिरदो नवा की तमाम जमीन छान चुके लेकिन साहिब आलम का कोई पता नहीं चला अब हम यहाँ बेकार बैठकर क्या करेंगे बेहतर है कि मकरान वापस चले जाए वहाँ जाकर बादशाह सलामत को क्या मुंह दिखाओगे ये भी ठीक है तो फिर हमें क्या करना चाहिए मुनासिब यही है कि कुछ दिन यहाँ कयाम करने के बाद पीछे चलने के बजाय आगे कूच करें बहुत खूब
देखो ससी, चांद हमारी मोहब्बत की कामयाबी पर मुस्कुराने के लिए अकेला रह गया है। मैं चाहती हूँ हम दोनों हर वक्त एक दूसरे के करीब रहें, ताकि इंतजार बाकी न रहे। मैं भी यही चाहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो जाएं कि हमारे दरमियान से हवा का झोंका भी ना गुजर सके। लेकिन इसके लिए जरूर हमें कोई रास्ता निकालना होगा। ससी, जो मोहब्बत मुझे मकरान से यहाँ तक ले आई है, वो अपने लिए खुद ही रास्ता बना लेगी। मैं कौन है भाई, अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुमकुम के सलाम, कुमकुम के सलाम। वही कुर्बान चौधरी फतेह खान। खजोड़े खतकड़े खैरे पखेरे खजोड़े। अस्सलाम वालेकुम मादरे मेहरबान। ख्वाब का बच्चा बच्ची मुर्गा मुर्गी कोता कोती ऊट मुट कोता तकड़े। हाँ भाई। आखो फतेह, शुक्रिया। तुम लोग अपनी कहो, बैठो बरखुरदार। आखो बैठो बरखुरदार। हम आपका अपना दाद बिलादरी का लोग है, वो आपका कुटुंब का लोग है, कुटुंब का। वो हम दो भी हम शेरगुल पठान पठान दो भी है। दा चौधरी पुनू खान बहुत बड़ा धोबी का बच्ची है, बच्ची। इसका जात सिंपल धोबी। अशुभ अशुभ। सिंपल धोबी? हाँ सिंपल धोबी, निखालिस। लेकिन मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ बेटा? वो जो सब कुछ कर सकती है चाचा। वो हम परदेश में यतीम है, असीर है, फकीर है। वो तुम हमको नौकरी दो। वो चे तुम नौकरी नहीं देगा, तुम्हारा बड़ा बदनामी होगा। वो तुम्हारा साथ बलात्री का लोग बोलेगी, एक प्रदेश से धोबी इधर तुम्हारा देश में आया, वो तुम्हारा देश में आके हम भूखा मरते हैं। तो देखो शेर शेर ना शेर गुल। हाँ शेर गुल। शेर गुल। शेर गुल, मेरे पास कोई मुलाजमत नहीं है। वही कुश्ता का बाप कर दिया शेरगुल का मगज में। बोला तो इनकार करके अपने दाद को शर्माती है। चौधरी साहब, आप इसकी बातों का ख्याल ना कीजिए, जो मुंह में आता है बक देता है। हम बड़ी आस लेकर आपके पास आए, हमें मायूस ना कीजिए। ठीक है, लेकिन यकीन मानिए, इस प्रदेश में आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। हमें आजमाइशी तौर पर रखकर खिदमत का मौका दीजिए। तुम्हारी बातों से शराफत की बू आती है नौजवान। फिलहाल मैं तुम दोनों को मजदूरों में नौकर रख लेता। वही कुर्बान ए चौधरी फतेह खान जिंदाबाद। बड़ा मेहरबानी वाले से। देखो एक मेहरबानी और। वो क्या? वो बच्चों, आपका कदमों में हम दोनों को थोड़ा जगह मगा मिल जाए। शर्फू, ओ शर्फू। जी 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 जी। इन दोनों को पुरानी हवेली में ले जाओ और एक कोठरी खाली कर। बहुत अच्छा जी। शेरगुल खान, पुनू खान, जाओ इसके साथ। नौकर रख लिया उन लोगों को? हाँ हाँ, बेचारे परदेसी थे। चलो अच्छा किया। हाँ वो हमारी बात तो बीच ही में रह गई। हाँ हाँ, वो क्या बात थी? देखो जी, ससी के रिश्ते का फैसला आज होना ही चाहिए। जगह जगह से रिश्ते आ रहे हैं और फिर दारा की माँ का तकाजा तो हद से बढ़ गया। अच्छे खाते पीते लोग हैं और फिर लड़के में भी तो कोई ऐब नहीं। मैं कब कहता हूँ कि दारा बुरा है? ससी के अलावा सितारा की शादी का बोझ भी तो हमारे कंधों पर है। तस्वीर कितनी जल्दी रंग बदलती है सितारा। अभी अभी एक खुशी देखी थी कि मेरा पुन्नू अब मेरे नजदीक रहेगा, और अब ये बात सुन रही हूँ किससे मेरी रूह कांप उठी है। अब क्या होगा सितारा? इसका जवाब सिर्फ तुम्हारी तकदीर दे सकती है। मेरी तकदीर, मेरी तकदीर। जीती रहो।
बजा। अरे आज तुम जल्दी आ गए। खालू जी आज हमने जाफरानी हलवा बनाया था, आपको खिलाने आई है। अच्छा ला। बड़ा ख्याल है खालू जान का। आपके लिए भी तो लाई हूँ खाला जान। तुम क्यों चल गई? दो तुम खाओ और जान बनाओ। बस तुम्हें खाओ। से पकड़ लाए? इंसान को जानवर कहना बहुत बड़ा बोल है दारा, खुदा से डरो। गरीब मुसाफिर थे बेचारे, मैंने इन दोनों को काम पे लगा लिया है। सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर वो दूसरा कहाँ है? वो भी यहीं कहीं होगा। शेरगोल, अबे शेरगोल, मैं इधर है। चौधरी साहब मैं इधर है। ये आपका छोटा साहब का खिदमत करती है। खिदमत
कहता हूं मेरे सीने में आग भड़क रही है, और जब तक मैं उस मूजी का सर ना कुचल डालूंगा ये आग ठंडी नहीं हो सकती। और इस काम में मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। तुम्हारे लिए तो हमारी जान भी हाजिर है प्यारे। और वो पुन्नू बेचारा है भी क्या चीज, उसको तो मार देना ऐसा है जैसे चूटी मसल दी। मगर यार मैंने सुना है तुम्हारी माँ शशि का रिश्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। दारा की माँ तो कई बार आ चुकी है, आज मुझे भी सवाली बनकर तुम्हारे दर पर आना पड़ा। हमारी झोली भर दो अत्ता भाई। हाँ भैया, लड़की देकर लड़का ले लो, अल्लाह चाहे तो मेरा दारा पांव धो धो कर पिएगा तुम्हारी शशि के। बड़ा ही बरकरदार बेटा है। बस आज ही मुंह मीठा करा दो अत्ता भाई, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो मौजी। अरे भाई, नेकी के काम में देर नहीं करनी चाहिए। तुम घबराओ नहीं, मैं घर में सलाह मशवरा करके तुम्हें दो एक दिन में जवाब भेज दूंगा। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमारी तुम्हारी बचपन की दोस्ती है, लाज रखना इस दोस्ती की। जो अल्लाह को मंजूर भाई। हसो बहन, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ है। अच्छा, अल्लाह वेली। हाय हाय, आज मामले तुमने। अरे मैं कहती हूँ, तुम तो सोचते सोचते बूढ़े हो गए, अब क्या लड़की का सर सफेद करके ब्याहोगे? शशि की माँ, तुम नहीं जानती शशि के बारे में हम पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। इस रिश्ते के बारे में हमें उसकी राय भी मालूम कर लेनी चाहिए। अरे बाबा, कभी शरीफों की बेटियां भी शादी के बारे में जबान खोला करती हैं? अच्छा तुम कहते हो तो चलो मैं पूछ लेती हूँ तुम्हारी खातिर। शशि बेटी यहाँ आओ। आओ बेटी। बच्ची, आज फिर दारा के माँ बाप आए थे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर। भाई मुझे तो बहुत पसंद है रिश्ता, तुम्हारा क्या ख्याल? हाँ भला तुम्हें इनकार भी क्या हो सकता है, वो तो यूं ही जरा तुम्हारे बाप की जिद थी कि जाकर शशि से पूछ लो। अच्छा तो मैं तुम्हारी खामोशी का यही मतलब निकाल लूं कि तुम्हें भी पसंद है रिश्ता। नहीं माँ, नहीं। क्यों? अगर ये पसंद नहीं तो फिर और क्या पसंद है तुझे? अरे बोलती क्यों नहीं? मेरी ख्वाहिश कुछ और है माँ। नहीं, तोबा। लौंडिया के दीदों का पानी ही ढल गया, किस मजे से मुंह फाड़ कर कह दिया मेरी से कुछ ख्वाहिश ही और है। गजब खुदा का, तोबा तोबा। जवानी मुझ पर भी आई थी, क्या मजाल थी जो अपने माँ बाप के सामने आंख उठाई हो। लेकिन हमें उसकी ख्वाहिश मालूम करनी ही चाहिए। सितारा बेटी, इधर आओ। जी खालू जान। बेटी, शशि ने दारा से शादी करने से इनकार कर दिया है, आखिर वो चाहती क्या है? कहो कहो बेटी, शर्माओ नहीं। खालू जान। हाँ हाँ, बोलो बेटा बोलो। वो पुन्नू से मोहब्बत करती है। वो दो टके का जलील नौकर, जिसकी माँ का पता है न बाप का निशान, सुन ली उस कमीने की नमक हरामी। हमने उसे गरीब परदेसी समझकर पनाह दी, अपने बच्चों की तरह साथ रखा, उसने हमारी नेकियों का ये अदर किया। मैं उसे जान से मार डालूंगा। सची, बेशरम चुड़ैल कहीं की, एक तो बाप की नाक काट कर हथेली पर रख दी, अब चलिए शोर मचाने ताकि गली कूचों में खूब बदनामी हो। बदनामी होती है तो होने दो, लेकिन मैं मोहब्बत तो बदनाम नहीं होने दूंगी। छोड़ो Thank you.
तस्लीमात, आज तुम्हारी तस्लीमात के जवाब में मेरे पास लानत के सिवा कुछ नहीं। जवाब दे नमक हराम, हमने क्या बुराई की थी तुमसे? खुदा गवाह, हम दोनों बिल्कुल पाक। खामोश कमीने, फसने काम। मेरे बाप ने मुझे फूल तक न मारा था, आज मुझे मालूम हुआ कि बुजुर्गों की मार की लज्जत क्या होती है। तो फिर मुझे आज ये हसरत पूरी कर रहे थे। इसे मत मारो मामा, मुझे मारो। मैं तेरी भी खाल उधेड़ दूंगा राशिदी। आज कभी नहीं बदलोगे, मैं तेरा भी गला घोट दूंगा, तेरा खून पी जाऊंगा, तुझे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा, मार डालूंगा। ये तुम्हारी बेटी नहीं, ये किसी की अमानत है। इसकी खुशी तेरी खुशी है, तेरी खुशी, तेरी खुशी। मेरी बच्ची पुन्नू, इधर आओ बेटा। तुम दोनों सलामत रहो मेरे बच्चों। चौधरी अत्ता, तुम्हें सारी बिरादरी के सामने ये बताना पड़ेगा कि मेरे लड़के में ऐसी कौन सी बुराई थी जो तुमने इसके मुकाबले में एक अदना नौकर को पसंद किया। हाँ हाँ, क्या खूबी थी इस मामूली चाकर में जो तुम्हें बिरादरी में किसी में भी नजर ना आई? किसी की खूबी और बुराई का सवाल नहीं, सची मेरी बेटी है और मुझे अपनी बेटी के मुताबिक अपनी पसंद का पूरा इख्तियार है। तुम्हारी पसंद ने सबके मुंह पर थूका है और मुझे तो खास तौर पर गाली दी है। मैंने गाली नहीं दी मौजदीन, बल्कि अपना हक इस्तेमाल किया है। अलबत्त तुम लोग बार बार इस शरीफ परदेसी को गरीबी की गाली देते हो। गरीबी कोई गुनाह नहीं है। मैं भी किसी जमाने में गरीब था और किसी का नौकर भी था। पुन्नू गरीब है तो क्या हुआ, ये शरीफ है, नेक है, ऊंची जात का सिपल धोबी है। बच्चे हम बोलती है तो निकाले सिपल धोबी। अजी कौन देख के आया है इसकी धारा? तुम चुप रहो बेटा, मेरी जिंदगी में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, मैं जवाब दूंगा। तुम क्या जवाब दोगे जी? कान खोल कर सुन लो भाइयों, अगर इस नई मुसीबत की नींव चौधरी अत्ता ने रख दी तो याद रखो, बिरादरी की हर खूबसूरत लड़की को बाहर वाले आकर छांट छांट कर ले जाएंगे और तुम्हारे लिए लंगड़ी, लूली, गंजी, कानी ये सब रह जाएंगी। मेरा मतलब हमारी उन बहनों से है कि उनका क्या बनेगा। अजी फिर तो वो चौधरी अत्ता की जान को रोया करेंगी। तुम दे रहे हो दारा, मैंने आज तक किसी की बहू बेटी के मामले में दखल नहीं दिया, ना मेरे मामले में कोई दखल दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? तुम बिरादरी के रस्म रवाज को तोड़ सकते हो? अभी पिछले ही बरस फतू की बेटी के रिश्ते का मामला पंचायत में तय ना हो सका तो तुमने खुद ही फैसला दिया था कि झगड़ा एक आम मुकाबले के जरिए तय कर लिया जाए। हाँ हाँ, अगर पुन्नू में हिम्मत है वो मर्दों की तरह मैदान में आकर हमसे सती को जीत ले, वरना सस्सी की डोली या पुन्नू की लाश पर से गुजरेगी या हमारी लाश पर से। पुन्नू ने चूड़ियां नहीं पहन रखी दारा, मुझे तुम्हारी ललकार मंजूर है, मैं तुम्हारी बिरादरी के हर रस्म रिवाज से टकराने के लिए तैयार हूँ। वही कुर्बान जाने जानान, वो हमारे मगज में बैठा। ठीक है, इस बात का फैसला करने के लिए कल ऊंटों की दौड़ का मुकाबला होगा। बिरादरी के दूसरे नौजवान भी चाहे तो हिस्सा ले सकते हैं।
क्या चाहते हो तुम लोग? जहां पना, कानून का एहतराम और शाही विकार की हिफाजत करना हर वफादार शहरी का फर्ज है, इसलिए आज हम एक कानून के बागी की शिकायत लेकर हाजिर हुए हैं। शिकायत बयान हो। आलीजा, कौन नहीं जानता कि हजूर के कानून के मुताबिक मिकरान का कोई शख्स भंबोर की किसी औरत से शादी नहीं कर सकता। बेशक इसे जुर्म करार दिया गया है, लेकिन आलीजा, हम धोबियों का सरदार इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी लड़की की शादी एक मिकरानी से करने के लिए तैयार है। उसे ना तो कानून शिकने का डर है हुजूर, और ना आप ही की परवाह। मुल्जिम को मां बदौलत के पेश किया जाए। आदिल खान, फरमान शाही की तामील हो। क्या समझती हो, इसने बड़े बड़े मैदान जीते हैं। अच्छा? हाँ। कौन है भाई? कौन है? चौधरी अत्ता, तुम्हारा ही नाम है? जी हाँ, फरमाइए। तुम्हें बादशाह सलामत ने तलब फरमाया है। मुझे? बादशाह सलामत ने? हाँ, तुम्हें इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। बहुत अच्छा, मैं अभी हाजिर हुआ। शशि जी मां, शशि जी मां। क्या बात है? मुझे बादशाह सलामत ने याद फरमाया है। बादशाह ने बुलाया है? हाँ। क्यों? मुमकिन है कि शाही महल के कपड़ों का ठेका देना चाहते हो, या कोई लश्कर फौज का काम निकल आया हो। हाँ। मेरा छुपा कहाँ है? वो रखा। अरे पर मेरा छुपा कहाँ है? वही है। हाँ। चौधरी अत्ता, क्या यह सच है कि तुम अपनी लड़की की शादी एक मकरानी से कर रहे हो? जान की अमान मिले आलम पनाह, गुलाम खतावार है। क्या तुम्हें मालूम न था कि यह शादी हमारे कानून के अनुसार जुर्म है, और इस जुर्म की सजा मौत है? मालूम था आलम पनाह, लेकिन मैं औलाद की मोहब्बत के सामने मजबूर हो गया। बेटी ने अपनी किस्मत एक परदेसी के दामन से बांध दी, तो बाप के हाथ से कानून का दामन छूट गया। इसलिए कि तुम्हें कानून का डर ही नहीं था? नहीं नहीं आलम पनाह, बाप के दिल में एक तरफ कानून शिकनी का खौफ था, और दूसरी तरफ बेटी की दिल शिकनी का डर। दोनों तकाजों की कश्मकश में बेटी जीत गई, बाप हार गया। अब बाप का बुढ़ापा हुजूर के रहमो करम पर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें कानून शिकने की इजाजत दे दी जाए। चूंकि तुम्हारा यह पहला जुर्म है, इसलिए हम तंबीह काफी समझते हैं। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। बाहर सूरत ये शादी नहीं हो सकती। दो दिन के अंदर शादी मंसूख करके हमारे दरबार में इतना गुजारो, वरना मौत का सिकंजा तुम पर कोई रहम न करेगा। लेकिन जहां पनाह, सिले इलाही, आलीजा। बात है सुसी के अब्बा, बादशाह ने किस लिए बुलाया था? अरे तुम तो परेशान नजर आ रहे हो, क्या कहा उसने, बोलते क्यों नहीं? हमारा बना बनाया खेल बिगड़ गया सुसी की माँ, हमारी उम्मीदें खाक में मिल गई। क्यों? बादशाह ने हुक्म दिया है कि सुसी की शादी मंसूख कर दी जाए। मंसूख कर दी जाए? किस लिए? भंबोर और मकरान की दुश्मनी हमारे आड़े आ गई है अशोक। अगर हमने शाही कानून की खिलाफ वर्जी की तो बादशाह हमें जान से मरवा डालेगा, और फिर शशि का क्या होगा? नहीं, हमें यह शादी मंसूख करनी ही पड़ेगी। नहीं,
ये शादी मंसूख नहीं होगी बाबा, कोई कानून दो दिलों के दरमियान फाइल नहीं हो सकता। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं बेटी, बादशाह और उसके कानून से उलझना हमारे पास की बात नहीं। हम महकूम हैं वो हाकिम, हम मजबूर हैं वो मुख्तार। मोहब्बत पर किसी का इख्तियार नहीं है बाबा, जो काम तुम नहीं कर सके मैं उसे पूरा करूंगी। मैं खुद जाकर बादशाह को इस कानून शिकनी का जवाब दूंगी। नहीं बेटी, ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है बाबा, मैं उसके कानून की गर्दन को मोहब्बत की दहलीज पर झुका दूंगी। उसे हमारी आरजुओं को बर्बाद करने का क्या हक है? ससी मेरी बच्ची, जरा सोचो, तू मौत के मुंह में जाना चाहती है? छोड़ दो मां, मोहब्बत मौत से खेलना जानती। आज तक मोहब्बत का एक और इम्तिहान लेना चाहती है। मुझे मत रोको मां, मुझे जाने दो। ससी करने के लिए आई हूँ आलीजा। क्या कहना चाहती हो आलीजा? एक औरत अपनी शादी की बात शर्म के मारे तन्हाई में भी अपनी जबान पर नहीं ला सकती, मगर आज आपके कानून के सितम ने मुझे जुर्रत दिला दी है कि मैं वो बात बरसरे दरबार चिल्ला कर कहूँ। हम तुम्हारी शादी के बारे में फैसला दे चुके और वो फैसला इंसाफ के ऐन मुताबिक है। ये फैसला इंसाफ नहीं है आलीजा, सरासर जुल्म है। आपकी दुश्मनी है तो मकराम से, हमारी मोहब्बत ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकेंगे और हमारी मोहब्बत का खून आपकी गर्दन पर होगा। लड़के, हमारे कानून का मंशा पूरा न हो तो हमारा इंसाफ जिंदा नहीं रह सकता। वो इंसाफ ही क्या जो दिलों का खून पीकर जिंदा रहे? होश में आओ नादान लड़की, शाही कानून और इंसाफ के फैसले बदला नहीं करते। इंसाफ के ऊपर एक जज्बा और भी है आलीजा, जिसे रहम कहते हैं। अगर आपके दिल में रहम अभी जिंदा है तो मैं उसे पुकार पुकार कर जगाना चाहती हूँ। बंद करो ये शोर फुगा, इंसाफ अंधा है और कानून बहरा। इंसाफ अंधा नहीं, कानून बहरा नहीं। अंधे और बहरे वो हैं जो इंसाफ की कचहरी में कानून की कुर्सी पर बैठे हैं। बोलते हुए पत्थर हैं वो जो इस जालमाना कानून को मनवाना चाहते हैं। ये क्या कह रही हो? चुप रहो बेटी। बाबा मैं चुप नहीं रह सकती, मुझे भंबोर के सुल्तान से पूछने दो कि उसे हमारी किस्मतों से खेलने का क्या हक है। खामोश। जुबान दराज लड़की, मालूम होता है तुम्हारे सर पर अदल खेल रही है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मेरे सर पर बादशाह के गुस्से की तलवार लटक रही है। क्या कर लोगे मेरा? जबान काट लोगे तो मेरे दिल की धड़कने फरियाद करेंगी, खून भी खुश कर दोगे तो मेरी खाक का हर जर्रा तुम्हारे इस कानून पर नफरीन करेगा। ले जाओ जबान दराज लड़की को, दीवारी में हमारे फैसले आने तक हिरासत में रखेगा। तुम मुझे हिरासत में रख सकते हो, लेकिन मेरी जख्मी मोहब्बत तुम्हारे इस कानून को बददुआएं देने के लिए हर वक्त आजाद रहेगी। ले जाओ आलीजा, मुझे गरीब की बच्ची पर रहम कर। आलीजा वो मासूम है। इस पागल बूढ़े को धक्के देकर महल से बाहर निकाल दो। बेचारी मोहब्बत की मारी, न जाने मेरा दिल क्यों उसकी तरफ खींचा जा रहा है। तुम बताती क्यों नहीं हो माँ? चुप क्यों हूँ? ससी कहाँ है? बाबा कहाँ है? बताती क्यों नहीं? क्या बताऊं बेटा, यहाँ के बादशाह ने मकरान की दुश्मनी की वजह से तुम्हारी शादी मंसूख कर दी। ससी खुद फरियाद लेकर गई है और तुम्हारा बाबा भी साथ गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ? मैं अभी जाकर देखता हूँ। क्या हुआ बाबा? ससी कहाँ है? मेरी बच्ची मुझसे छीन ली गई। मेरी उम्मीद की डाली में एक ही फूल था, वो भी जालिम बादशाह ने फोड़ दी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। तारा है कल
सकता। तुम्हारा मैं खत्म है वो हम लड़ाई से डरती, हम लड़ाई से नहीं डरती। लड़ाई से ना हमारा परदादा डरती है, ना परदादी डरती, ना दादा डरते, ना दादी डरती, ना बाबा डरते, ना बाबू डरती, ना हम डरते, ना तुम डरती, ना हमारा ना हम डरती है, ना तुम डरती है, तो खुद डरता कौन है फिर? तुम्हारा मैं खत्म है खुद जाने जाना। बात तुम नहीं समझे, बात ये कुछ हम तुमको अपना साथ ले जाती है तो इधर घोड़ा खान अकेला रह जाती, ठीक है ना? अगर से घोड़ा खान को अपना साथ ले जाती है तो चखो तुम अकेला रह जाती। अरे खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, हम अकेला जाती है तो तुम घोड़ा का पास अकेला रह जाती है। वो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। घोड़ा एक सिखपा हो जाए, वहां तो जानवर है, जानवर है। इस दीवार के पीछे शेर गुरु और सितारा के पास चली जाओ, मैं इससे निपट के आता हूं। Thank you.
शेरगुल हाँ। महल के सदर दरवाजे पर घोड़ा पुन्नू के लिए ले जाओ। घोड़ा के लिए पुन्नू? वो चलो भाई घोड़ा, वो मारो ना इसको। लेकिन हम पूछते हैं कि तुम लोगों ने दुश्मन के मुल्क की सरहदों के अंदर कदम ही क्यों रखा था? तुमने शहजादे को रोका क्यों नहीं? आलीजा, वो तो तीसरी ही मंजिल में हम लोगों को रात के वक्त सोता छोड़कर आगे निकल गए थे। तो फिर हमारे सामने क्या सूरत लेकर आए? अगर शहजादा साथ नहीं था तो तुम भी वही एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाते। हम साहिब आलम के लिए हुजूर से बहुत शर्मिंदा है। तुम लोगों ने हमारे एतबार को धोखा दिया। कमर खान, उमर खान, इन सब को लेकर फौरन बंबोर रवाना हो जाओ। लेकिन याद रहे, वो दुश्मन का मुल्क है, तुम्हें भेष बदल कर जाना होगा। अगर बाप को जिंदा देखना चाहते हो तो जिस कीमत पर भी हो सके तुम उनको लाकर पेश करो। पुन्नू, तुम चोरों की तरह घात लगाकर शाही महल में दाखिल हुए। तुमने शाही तहवील में रखी हुई रियाया की एक कीमती अमानत को उड़ा ले जाना चाहा। तुमने अपने जुर्म की तकमील के लिए शाही पहरेदारों को मौत के घाट उतारा। तुम पर तीन जुर्म आयद होते हैं पुन्नू। अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहो तो इंसाफ इसकी इजाजत देता है। मुझे इस अदालत से इंसाफ की तवक्को ही नहीं, इसलिए अपनी सफाई पेश करने की जरूरत ही नहीं समझता। अलबत्ता इतना जरूर कहूंगा, अगर मैं मुजरिम हूं तो मुझसे ज्यादा मुजरिम आप हैं। हम मुजरिम हैं? जी हां, किसी दूसरे को जुर्म पर उभारने वाला भी उतना ही मुजरिम होता है। आपने जबरन हमारी शादी मंसूख की, फिर इस बेगुनाह को हिरासत में रखकर मुझे इश्ताल दिलाया। जुर्म की पहल आपकी तरफ से हुई, इसलिए नतीजे की जिम्मेदारी भी आप पर है। उल्लू, बादब। ये बेअदबी नहीं, एक जाबिर सुल्तान के सामने अपने हक के लिए जहाद है। अगर कानून को किसी का घर लूट लेने का हक है तो लूटने वाले को भी कानून से दो बातें कर लेने का हक है। पुन्नू, इंसाफ का तकाजा यह है कि उस कुर्सी को छोड़कर यहां मेरे पहलू में आकर खड़े हो जाइए।
अपनी जगह इंसानियत को बिठा दीजिए और फिर देखिए कि इंसानियत का इंसाफ किसे मुजरिम करार देता है। जमानदराज लड़के, हम किसी की मोहब्बत की मजबूरी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। हमने आपका कानून हाथ में नहीं लिया, बल्कि आपके कानून ने हमारी पुरमन जिंदगी में दखल दिया है। बदनसीब मुजरिम, तुम हमारे कानून को ललकार कर अपनी अजल को पुकार रहे हो। नहीं, बल्कि आपने मेरी इज्जत में हाथ डालकर अपनी हद तक को आवाज दी है। अगर बादशाह को अपना कानून अजीज है तो एक गरीब को अपनी मोहब्बत। खामोश बदलगाम मकरानी। खबरदार, मकरानियों की शान में कुछ न कहना। अगर मकरान के साथ दुश्मनी है तो इसका फैसला तलवार से क्यों नहीं कर लेते? हम भी तो देखें कि भिंबोर का सुल्तान कितने पानी में है। खामोश, हमें अफसोस है कि तुम्हें बोलने की इजाजत दे चुके, वरना अब तक तुम्हारी जबान पर शांत शादी होते। और मुझे भी अफसोस है कि मेरे हाथों में मजबूरी की जंजीरें हैं, वरना खाक में मिला देता तुम्हारे इस गरूर को। वो इंतकाम लेता अपनी मोहब्बत की बर्बादी का कि भंभोर का जर्रा जर्रा कांप उठता। ले जाओ इस दीवाने को, कल सूरज निकलने से पहले इसे तीरों से छलनी कर दो। जालिम और बुजदिल सुल्तान, पुन्नू अपनी मोहब्बत के लिए जान पर खेल जाएगा, लेकिन याद रखो तुम्हें मेरे लहू के हर कतरे की कीमत अदा करनी होगी। ले जाओ। नहीं मशीर साहब, हम समझते हैं आप हमें शतरंज की जबान में कुछ और समझाना चाहते हैं, खुलकर कहो। आलीजा, दरअसल मेरे दिलो दिमाग पर उस अजीब और गरीब लड़की का तसव्वुर छाया हुआ है, वही सस्ती, वो जिसे हमने हिरासत में रखा है। जी सच पूछिए आलीजा, वो एक ऐसा मोती है जिसे शाही ताज में जगमगाना चाहिए, एक ऐसा फूल है जिसे शाही महल की फिजा में महकना चाहिए, उसे तो किसी बादशाह की मलिका होना चाहिए आलीजा। हाँ, होना तो ऐसा ही चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्या है रूह? मलिका मौजमा, खुदा के लिए इस खूबसूरत बला को यहाँ से निकलवा दीजिए। शशि को आपके सुहाग में शरीक कर देने के मशवरे हो रहे हैं। मशीरे खास बादशाह हजूर को बहका रहा है। बस इतनी सी बात पर घबरा रही हो? पगली आलिया हजरत, आप इसे मामूली बात समझती हैं? दीवानी हो क्या? वो भंभोर के बादशाह की मलिका तो क्या बनेगी, वो इश्क की मलिका है। वो पुनु के इश्क में जान दे देगी, लेकिन किसी दूसरे की नहीं बनेगी। तुम नहीं जानती मुझे उस पर कितना तरस आता है। जब वो रोती है तो मेरा दिल भी रोने लगता है, जब वो फरियाद करती है तो मेरी ममता के कलेजे में हाथ पड़ता है, न जाने क्यों। काश हम उसकी कुछ मदद कर सकते।
हुजूर के रास्ते में सिर्फ पुन्नू ही एक रुकावट था, तो ये कांटा भी साफ हो गया। अब इस हुस्नो शबाब की दौलत का हकदार हुजूर के सिवा कोई नहीं। लेकिन मशीर साहब, अलीजा, इस खानाजात की तो सिर्फ ये आरजू है कि ये सदाबहार गुलदस्ता शाही महल की जीनत बना रहे, और अगर हुजूर सस्सी को अपने अक्ल में ले लें तो ऐन मुमकिन है औलाद की जो तमन्ना हुजूर को है वो भी पूरी हो जाए। चलिए, शाही सवारी आपका इंतजार कर रही है। हम अपने मौजूद मेहमान का खैर मकदम करते हैं, आइए इन्हें मुनासिब कुर्सी दी जाए। तशरीफ रखिए चौधरी अख्तर। इंसान की किस्मत बदलते देर नहीं लगती, बेतकल्लुफ बैठो। अलीजा, मेरी बेटी शशि कहाँ है? मैं उसे, हाँ वो हमारे महल में शाही मेहमान है, अब वो हमारी हिरासत में नहीं बल्कि हम उसकी हिरासत में। मैं समझा नहीं अलीजा। चौधरी अत्ता, हम तुम्हें भंबोर का सबसे खुश नसीब इंसान बना देना चाहते हैं। जी यहां बना सस्सी को अपनी मलिका बनाना चाहते हैं? नहीं, क्यों नहीं, तुम्हारी लड़की की औलाद भंबोर के तख्त ताज की वारिस बनेगी। लेकिन अलीजा, वो पुन्नू। जी हाँ, उसका कोई सवाल नहीं, हमने उस बागी को मौत से हमकरार कर दिया। क्या कहा आपने, पुन्नू को मरवा डाला? वो इसे काबिल था? नहीं नहीं, वो इस काबिल नहीं था। शाह, तुमने पुन्नू का खून नहीं किया, मुझ बूढ़े की उमंगों का खून किया है, ससी के अरमानों का खून किया है। इंसाफ इंसाफ पुकारने वाले बादशाह, क्या यही था तुम्हारा इंसाफ? हमने कोई बेइंसाफी नहीं की, उस बागी ने हमारे कानून से टक्कर लेने की कोशिश में अपनी जान गंवाई। नहीं बल्कि तुमने जानबूझकर उस बेगुनाह की जान ली ताकि तुम्हारे रास्ते की दीवार हट जाए। बेदर्द बादशाह, तुमने इतना भी ना सोचा कि तुम रियाया के बाप हो? जिसे तुम अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हो वो ससी तो तुम्हारी बेटी के बराबर है। चौधरी अत्ता, हम तुमसे पूछे बगैर भी अपना मंशा पूरा कर सकते थे, हमारे सवाल के जवाब में हां कहो ताकि तुम्हारा दामन शाही अल्ताफ से मालामाल हो जाए। इस गरीब धोबी की गैरत और खुददारी तुम्हारे अल्ताफ को हकारत के साथ ठुकराती है। खामोश, हाँ या ना, और एक लफ्ज नहीं। बादशाह, तुम्हारा गुरूर अल्लाह के जलाल से टकराने लगा है, वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह के जलाल की बिजलियां तुम्हारे सर पर टूटेंगी। कसम है मुझे अल्लाह के इदाद की, और कसम है इन थरथराते हुए हाथों की जो क्यामत के दिन तुम्हारे गरेबा में होंगे। मेरे मुंह से हां कभी नहीं निकलेगी। तो फिर हमारे कान भी नहीं सुनने के आदि नहीं। मशीर साहब, इस जिद्दी बूढ़े के मुंह से हां निकलवाई जाए। जी, इसे उस वक्त तक कोड़े लगाए जाएं कि जब तक इसका इनकार करार में न बदल जाए, बाप के ताकने के तमाचा बेटी को भी दिखाया जाए। ये क्या? एक गरीब धोबन की पूंजी, कुछ अशरफियां, कुछ जेवर। लेकिन ये जेवर तुम्हारे पास कैसे आए? ये मेरी बेटी के बुजुर्गों का वर्षा है जिसे मैंने उसकी शादी के लिए संभाल रखा था। आप काजी जी को बुलवाइए ना, निकाह का बंदोबस्त कीजिए। हम जानना चाहते हैं तुमने ये जेवरात कहाँ से लिए। आप ये जानने के लिए इतने बेचैन क्यों है? मैंने किसी की चोरी तो नहीं की। आप शादी की तैयारियां क्यों नहीं करते, शहनाइयां क्यों नहीं बजवाते? हम पूछते हैं ये सब कुछ तुम्हें कहां से मिला, कब मिला, बोलो जवाब दो। क्या भंबोर का बादशाह मेरी बच्ची के जहेज के बारे में भी जबर और जबरदस्ती से काम लेगा? नहीं, हम तुम पर कोई जबर नहीं करना चाहते, हम दरख्वास्त करते हैं
तुम नहीं जानती इन जेवरात को देखकर हमारे दिल पर क्या गुजरे। हमारे सवाल का जवाब तो इसके बदले हम तुम्हारी हर तमन्ना पूरी करने को तैयार हैं। आप मेरी तमन्ना क्या पूरी करेंगे, मैं आपका सवाल पूरा किए देती हूँ। सुनिए, हमने सब कुछ दरिया में बहती हुई कब्र के मुंह में से निकाला, चोरों की भूखी नजरों से बचाया, और फिर आज तक एक मुकद्दस अमानत समझकर अपने सीने से लगाए रखा। लेकिन ये सब कुछ एक संदूक पे बंद था और उसमें एक बच्ची भी थी, मुझ बदनसीब की बच्ची। वो कहाँ है? आप पहले मेरी बच्ची को तो अपनी मलका बनाए, फिर आपकी बच्ची की बात हो जाएगी। हमारा सब्र ना आजमाओ ने खातून, हमारी सुल्तानी का गुरूर तुमसे इल्तिजा करता है, हमें हमारी बच्ची का हाल बता दो। हमें इन जेवरात के साथ ये कपड़े भी मिले थे। किसी बच्ची के कपड़े? और ये मोहर भी, शायद आप इसे पहचानते हो। ये मेरी गुमशुदा मोहर, मेरी गुमशुदा मोहर। हम तुमसे भीख मांगते हैं, हमारा दामन भर दो, हमें बता दो हमारी बच्ची का क्या वजीता है। अफसोस, हिरसो हविस के नशे ने आपको अंधा कर दिया था, वरना आप पहले ही नजर में अपनी बच्ची को पहचान लेते। ये खड़ी है आपकी बेटी ससी। मेरी बच्ची? मेरी बेटी? नहीं नहीं, तुम मेरे माँ बाप नहीं हो सकते, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। तुमने तो अपनी बेटी को पैदा होता ही कत्ल कर दिया था, तुम मेरे कातिल हो, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत की कातिल। ऐसा न कहो बेटी, तुम्हारी जुदाई मुझे बरसों सजा दे चुकी है। अपने गुनाहगार बाप को माफ कर दो बेटी, हमारे पास रहकर हमें मौका दो कि हम तुम्हारी खिदमत करके अपनी कोताही की तलाफी कर सके। नहीं, मैं इस बेरहम चार दीवारी में एक लम्हा भी नहीं जा सकती। जिसने मेरे पुन्नू के पति का तमाशा देखा, चलो बाबा हम अपने घर चले। बेटी, अगर हमें छोड़कर जाना ही चाहती हो तो कोई आंसू बयान करो, हमसे कुछ मांगो। मैं तुमसे क्या मांगू, तुमने तो जो कुछ मेरे पास था वो भी छीन लिया। दे सकते हो तो लाओ, मेरा पुन्नू मुझे दे दो। मेरी तरफ आओ बेटी, जो चीज तुम्हें बाप नहीं दे सकता शायद वो मां दे सके। तुम भी मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें तुम्हारा पुन्नू दूं। मेरी बच्ची मलिका हुजूर, आपने मेरी जान बचाकर हमारी मोहब्बत पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमने अपनी ममता की तसल्ली के लिए तुम्हें बचाया है। तुम हमसे ज्यादा इस तख्ती को दाद दो जिसने तुम्हारी जगह अपने सीने पर तीर खाया। चौधरी अत्ता, पुन्नू, हम आप लोगों से एक दरख्वास्त करते हैं कि शायद ससी अपनी पैदाइश से लेकर आज तक दुनिया के लिए गुमशुदा राज बनी रही। हम चाहते हैं इस राज को आइंदा भी राजी में रहने दिया जाए। इस शाद की तामीर होगी आलीजा। अब्बा जान, सितारा और शेरगुल को भी आजाद कर दिया जाए। ऐसा ही होगा मेरी बच्ची। निकाह का रस्म शुरू करो कहना, हमारा मोहस में वो क्या वो देखती क्या है? बिस्मिल्लाह करो।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. क्यों भाई चौधरी अत्ता का मकान कौन सा है? सवाल ही पैदा नहीं होता. क्या बात है हुजूर? जनाब ने किससे मिलना है? पुन्नू से. वह हम दोनों का बड़ा भाई है. बड़ा भाई है तो हुजूर उसका वहां निकाह पढ़ाया जा रहा है और अपनी फातिहा. वो क्यों? क्या अर्ज करूं, जिससे उसकी शादी हो रही है वो दरअसल मेरी मंगेतर है. आप शक्लो सूरत से खानदानी मालूम होते हैं. मैं हुजूर के पांव पड़ता हूं, जिस तरह भी हो सके ये शादी रुकवा दीजिए और मेरी सस्सी मुझे दिलवा दीजिए हुजूर. हाँ, हक तो वाकई तुम्हारा है. हुजूर ने खूब समझा. लेकिन एक शर्त पर हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं. हुजूर सवाल ही पैदा नहीं होता. मुझे हुजूर की हर शर्त मंजूर है. तो सुनो, मंजूर हुजूर मंजूर. आइए तशरीफ लाइए. आइए आइए जनाब. चौधरी साहब बहुत बहुत मुबारक. देखो मुबारक. वो मुबारक. सवाल ही पैदा नहीं होता. खान खान उधर देखो, वो तुम्हारा भाई लोग आई है. और वो देखो, वो खाला जान. वो हमारा मगज में होता है. खाला जान आया है. कौन? उमर खान. कमर खान. मेरे अजीज, मेरे भाई, तुम यहाँ कैसे? अब्बा जान ने हमें गजाला के हमरा आपकी शादी की शिरकत के लिए यहाँ भेजा है और ये हमें यहाँ तक लेकर आए. सवाल ही पैदा नहीं होता. मुझे माफ कर दो पुनो, दरअसल ये तुम्हारा ही हक था. पहुंचे माफ किए है गजाला. मुबारक हो पुनो. Thank you.
इस सस्सी के लिए तुम भंगोर जा रहे हो। वो तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे पीछे मकान चली गई। सस्सी